हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज देखिए, आज इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये फ्लावर कितना छोटा छोटा पर कितना खूबसूरत है। ये देखिए, रेड कलर का है, रेड नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा पिंक, डार्क पिंक टाइप का है, लेकिन कैमरे में थोड़ा कलर अलग हो जाता है। ये देखिए, ये कितना सारा फ्लावर्स है, और वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे भी है। और इसका ना ये बड्स भी बहुत बन रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये है, ये बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बड्स है। ये यहाँ पे देखिए, ये एक है, ये है, और ये सब देखिए कितना सारा, ये सब देखिए। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है आपके गार्डन के लिए। और अगर आप अपने गार्डन में हमिंग बर्ड्स ये सब आए ऐसा चाहते हैं कि मेरे गार्डन में बहुत सारे हमिंग बर्ड्स आए, तो ये प्लांट तो आपको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये ना इसका जो फ्लावर है, ये हमिंग बर्ड बहुत इसको बहुत ये करता है, हमिंग बर्ड को बहुत मतलब अट्रैक्ट करता है ये फ्लावर। ये देखिए, ये फ्लावर। तो इस प्लांट का नाम है साइप्रस वाइन। ये देखिए, ये असमीज में हम लोग इसे कुंजलता भी बोलते हैं, और अलग अलग जगह में इसका नाम अलग अलग है। तो वैसे तो इसका नाम साइप्रस वाइन है, और ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। समर में ये फ्लावरिंग करता है, और विंटर में ये डॉर्मेंसी में रहते हैं। तो ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। यहाँ पे देखिए, ये प्लांट ना यहाँ पे एक छोटे से, ये देखिए, ये हैंगिंग प्लांटर में ग्रो किया हुआ है मैंने, क्योंकि नीचे से ऊपर आने तक इसको थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसे इस हैंगिंग प्लांटर में ही लगा दिया है। तो ये हैंगिंग प्लांटर तो कितना बड़ा है आपको आइडिया होगा। ये देखिए, ये इतना बड़ा भी नहीं है, तो ठीक इसी टाइप का है ये भी। तो इसमें मैंने लगाया है, और ये ना बहुत इसका ग्रोथ ना कितना बहुत स्पीड है इसका, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो ये आप ज़रूर ग्रो कीजिए। और अगर आपके गार्डन में ये इसका फ्लावर नहीं भी आए ना, फ्लावर तो आएगा ही, वो ज़रूर आएगा, लेकिन फ्लावर अगर नहीं भी आए ना, तो भी ये देखिए, इसका पत्ता देखिए, ये कितना खूबसूरत है। इसके पत्तों को देखिए, ये कितना सुंदर है, और बहुत अच्छा लगता है। एक साथ दो तीन प्लांट होने से तो इसमें फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। तो उसके लिए ना मिट्टी जो है, मिट्टी वेल ड्रेन रखना चाहिए। मैंने भी वेल ड्रेन मिट्टी बनाया है, लेकिन इसमें थोड़ा गुड़ाई करना चाहिए, मैंने बहुत दिन गुड़ाई नहीं किया है इसमें। और इसका ना क्या होता है, जब फ्लावर खिल जाते हैं तो बहुत सारा इसमें, ये सब देखिए, ये बहुत सारे सीड पॉड्स बनते हैं, और इन सीड्स जहाँ भी गिरते हैं वहाँ एक नया प्लांट बन जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे भी मेरा एक नया प्लांट बन गया है, लेकिन इसमें मैं पिटूनिया लगाऊंगी, तो इसको मैं अलग जगह में ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये खुद ब खुद ग्रो हो गया है एक प्लांट। तो ऐसे इसका ना मैंने सीड्स कलेक्ट करके रखा है, तो बहुत सारे सीड्स बनते हैं। ये सब देखिए, ये सब इसका सीड पॉट है। ये देखिए, ये एक है, ये एक है, ये सब इसका सीड पॉट है। तो बहुत सारे सीड्स बनते हैं, और ये बहुत सुंदर फ्लावर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें कुछ ये नहीं है, स्मेल तो नहीं है इसमें, और कलर भी बहुत सुंदर है। तो ग्रो कर सकते हैं, इजी टू ग्रो प्लांट है ये, बहुत इतना जल्दी जल्दी ये बढ़ जाता है ना, आपको मतलब यकीन ही नहीं होगा। ये आज देखेंगे, आज इतना छोटा है, कल देखेंगे कल इतना हो गया। तो ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ ले लेते हैं। तो पेस्ट इसमें इतना ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, थोड़ा बहुत मैंने मिलीबग का अटैक देखा है इसमें। ये देखिए, मिलीबग का अटैक देखा है, तो आपको हटा देना है, उसको देखते रहना है। ये सब देखिए, ये एक है मिलीबग। तो जब भी आपको मिलीबग का अटैक दिखाई दिया, तो आप उसको उसे हटा दीजिए।
तो बाकी तो इसका केयर बहुत अच्छा है, और इस प्लान को ना आपको पूरा डायरेक्ट सनलाइट में रखना पड़ेगा। अगर आप इसका फ्लावर्स चाहते हैं, मैंने इसको पूरा डायरेक्ट सनलाइट में रखा है, यहाँ पे पूरा डायरेक्ट सनलाइट आते हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट में रखना पड़ेगा। वैसे तो हमें सभी फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास जितने होते हैं उन प्लांट्स को हमें डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना होता है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से फ्लावरिंग अच्छे से होते हैं। तो यही है इसके बारे में। तो आज के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। हैप्पी गार्डनिंग, बाय।